खबर रीवा से है, जहां डॉक्टर सोनपाल जिंदल ने अपना आपा उस समय खो दिया जब उनके एक पेशेंट को एमआरआई सेंटर भेजा गया, लेकिन उसकी समय पर एमआरआई नहीं हुई। एमआरआई सेंटर पहुंचे डॉक्टर सोनपाल जिंदल ने जमकर गाली गलौज करते हुए काउंटर में बैठे अनिल सिंह चौहान के ऊपर भड़ास निकाली और यहां तक धमकी दे डाली कि वह देख लेगा कि यहां कितने बड़े बड़े गुंडे हैं, वह सीधे दूसरी बार बात नहीं करेंगे, सीधे सर्जिकल नाइफ से गला काट देंगे। डॉक्टर का इस तरह से भड़कना और अमर्यादिक भाषा का प्रयोग करना चर्चा में है। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर सोनपाल जिंदल ने किस तरह से अमर्यादित भाषाओं का उपयोग किया और एमआरआई सेंटर के कर्मचारी को धमकी दी। यह सच है कि अपने मरीज की जान बचाना चिकित्सक का पहला कर्तव्य होता है और शायद सोनपाल जिंदल अपने किसी मरीज की समय पर एमआरआई के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन निजी प्रैक्टिस करते हुए अपने मरीज की बात करना उचित नहीं है। क्या चिकित्सक शासकीय अस्पताल में उपचार कराने वाले मरीजों के प्रति भी इतना गंभीर है? ये तो आए दिन ही देखने को मिलता है। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर सोनपाल जिंदल किस तरह से अमर्यादित भाषाओं का उपयोग करते हैं। हालांकि ऑडियो की विराट 24 न्यूज पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस युवक ने रिकॉर्ड किया है उसी के द्वारा ये ऑडियो उपलब्ध कराया गया है। क्या चक्कर क्या दिमाग में पिक्चर क्या है? तब समझ में आएगी तो मैं गला काट दूंगा। ठीक है तो समझ में आएगी ना। सोनपाल जिंदल का कहते हैं उस रोल में चाहते हो मेरे को, उस रोल में आ गया तो समझ गए कर रहा हूं सर। फिर रीवा में एक ही आदमी रहेगा या हमारा सेंटर रहेगा सोनपाल जिंदल रहेगा? या तो फोन को प्यार से करता हूं तो समझ जाया करें, नहीं होती है तो पता है क्या तुमने बन जाए हमारा स्कैन करने के लिए बैठ रहते है? पता है क्या तुम्हारे ड्राइवर जो तो जांच नहीं होती तब तक मैं मरीज का यही सोचते रहते तुम ब्रेन को देख रहे हो तो सारे दिमाग में टट्टी भर गई है, समझ में आया ब्रेन को? तुम पंकज सिंह चौहान के पहले करोगे को मेरा आपकी बार मूल खराब हुआ समझ में आ गई? या तो मेरा फोन करते समझे और जिन रिकॉर्डिंग हो तो अपने मालिक को भेजना, मैं देख लूंगा कौन है वो। तुम जसन में रहते हो ना मारक मारो मुन्ना है बहन, तो मेरा बड़ा गुंडा नहीं है, मैं बता दूं तुम्हें दिमाग में अगर फिजू रहता हो तो वो भी निकल दूंगा मैं। मैं मानने से नहीं डरता हूं भाई, दिमाग में सब निकाल दे अपने से ट्रेनिंग समझते मत तो बहन कह मारे करने कितना अर्जेंट होता है लोन हुए घुटने में या कमर में लग रहे हैं पकड़ में कर रहे हो क्या? जिसको बोलना है बोल रहे मदर चौथ को कोई बना रहा। अब की बार मैंने फोन किया तो मैं फोन गाली पर फोन पर नहीं दूंगा, ये याद रख लेना। चाकू लेके आऊंगा गला काट दूंगा जिसने मेरे से बात की और जिसने मेरी जिम्मेदारी ली, चाहे मेरे को जिंदगी भर जेल में रहना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे, अगर मेरे मरीज को अर्जेंसी नहीं दिखाई तो। क्लियर है मैसेज सर? उसी को लिया हूं सभी आप ही का पेशेंट। अरे यार उसके अलावा एक और पेशेंट है पता ही नहीं पता है सर? अभी अजीत को लिए वो जो कंट्रास्ट होगा उसको लिए। अरे अजीत के अजीत के बाद एक और पेशेंट पता है हॉस्पिटल में? अरे पता है कि नहीं पता है सर? पता कर रहा हूं। कहां से कर लिया भाई दूसरे के किसी ने पता ही नहीं क्या? चलो अपनी मैसेज जी तुम्हारे पास में कि एक और पेशेंट उसका हमारे होना है तुम्हारी वजह से पैदा रहा हूं अपनी। सोनपाल सर का एक और पेशेंट कोई है ना जिंदल हॉस्पिटल से, क्यों नहीं बुलाया उसको? क्या नाम है पेशेंट का? बुला उसको ना। आज के बाद मेरा पेशेंट ब्रेन का हुआ और मैंने फोन किया या किसी ने मेरे आदमी ने फोन किया उसका नहीं किया तो मैं बात नहीं करूंगा, चाकू चलेगा सेंटर में, समझ गए?
मैं सर्जिकल नाइफ से गला काट दूंगा उसका, बात करने नहीं आऊंगा, चाहे मेरे को जिंदगी भर जेल में रहना पड़े, कोई छोड़ा नहीं आए, समझ गए साले सबके सब।